आज हमारे आश्रम में श्री राम शंकर शुक्ल जी का पदार्पण हुआ है, जो श्री स्वामी सदानंद आश्रम प्रयाग के संचालक और व्यवस्थापक हैं। आप श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज जी के शिष्य हैं और गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र हैं। आज हम आचार्य जी से संध्या के बारे में कुछ पूछेंगे। आचार्य जी, जब संध्या शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के सामने आता है तो इसका क्या अर्थ उसके मन में उभरे, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। श्री मंगल मूर्तये नमः। वास्तव में शास्त्रम मत्वा करोति इति मनुष्य, मानव धर्म है वेदादि सच शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन को कृतार्थ करे। इस कृतार्थता के लिए अंतःकरण के शुद्ध की परम आवश्यकता है। अंतःकरण की शुद्धि नित्य कर्म से ही संभव है। वह नित्य कर्म संध्या प्रकरण से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं मनुष्य ऋण बताए गए, इन ऋणों से उद्धार होना, इनसे पार होना नित्य कर्म का विधान किया गया है। संध्या का अभिप्राय है सम्यक ध्यायते सम्यक प्रकारेण परमात्मानं ध्यायते संधीयते अनुमीयते ब्रह्मपदं सा संध्या। जिस विज्ञान के द्वारा अखिल ब्रह्मांड नायक उस परमात्मा का चिंतन किया जाए, उस परमात्मा के चिंतन से ही जीव की कृतार्थता सिद्ध होती है। अतः परमात्मा के संबंध में चिंतन की दृष्टि से अंतःकरण की शुद्धि परम आवश्यक है और वह अंतःकरण संध्या के द्वारा शुद्ध विशुद्ध हुआ करता है। संध्या का दूसरा पर्याय है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का अभिप्राय है पांच कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर पांच ज्ञानेंद्रियां और ये ज्ञानेंद्रियां पंचक अंतःकरण से ही समन्वित संबंधित एवं निर्देशित हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं प्रज्ञा ये अंतःकरण के पांच अवयव हैं। इनकी शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि कहलाती है। ये अंतःकरण संध्या के द्वारा शुद्ध होते हैं। शास्त्रों में वचन है विधूत पापास्तेयान्ति ब्रह्मलोक मनामयम्। संध्या की प्रक्रिया के द्वारा समग्र कायिक वाचिक एवं मानसिक 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और पुनः भगवत प्राप्ति के लिए किए गए अनुष्ठान जप तप स्तोत्र पाठ देवार्चन देव पूजन सिद्ध होते। अतः संध्या मनुष्य मात्र के लिए परम कर्तव्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञोपवीतधारी वैदिक संध्या के अधिकारी प्रायः वर्ण आश्रम की दृष्टि से संध्या विविध प्रकार की कही गई। जहाँ तक वैदिक संध्या का प्रश्न है वह त्रैवर्गिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपवीतधारी ही वैदिक संध्या के अधिकारी। अन्य वर्ग माताएं भी भगवत स्मरण के द्वारा संध्या का उपक्रम पूर्ण कर लेती।
पशु पक्षी भी अपनी भाषा में संध्या किया करते हैं। यतियों सन्यासियों के लिए भी संध्या का अलग विधान शास्त्रों में मिलता है। वेदों की विविधता से ऋग्वेद, यजुर्, साम एवं अथर्व के क्रम से वैदिक संध्या भी प्रकारांतर से भेद को प्राप्त होती है। संध्या हमारा परम कर्तव्य है। संध्या न करने से अनंत जन्मों तक निम्न योनियों में मनुष्य योनि को पार करके, मनुष्य योनि को दबा करके उन योनियों में, तिर्यक योनियों में चला जाता है, जहाँ से उसके उद्धार का कोई रास्ता दिख नहीं पड़ता। अतः संध्या हमारा परम कर्तव्य है। जे संध्या का उपक्रम नहीं करते वे लोग नरकम यान्ति, नरक चले जाते हैं। अतः संध्या ब्रह्मपद वाचक है, भगवत चिंतन है, अंतःकरण की शुद्धि है, नित्य कर्म है। नित्य कर्म करने का फल विशेष नहीं बताया गया, पर न करने से बहुत बड़ा दोष बताया गया। वे नित्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक स्वाभाविक, जैसे प्यास लग जाना, क्षुधा की प्राप्ति हो जाना, निद्रा का आ जाना, लघुशंकादि की प्रवृत्ति हो जाना, ये कर्म स्वाभाविक है। पर स्नान, संध्या, जपश्चैव देवतानांच पूजनम, बलिवैश्वम तथा तिथ्यम, खटकर्माणि दिने दिने, ये परम प्रयत्नपूर्वक किए जाने वाले स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। नित्य कर्म करने से अभी चर्चा हुई विशेष फल नहीं मिलता, लेकिन न करने से पाप की प्रवृत्ति होती, तिर्यक योनियों की प्राप्ति हो जाती। अतः संध्या हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। संध्या नित्य कर्म है, दैनिक करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में वचन है, स्मृतियों में वचन है, 3 दिन तक संध्या न करने से वह ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व से अलग हो जाता है। अतः संध्या की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सूतक में भी संध्या का विधान है, वह संध्या मानसी ही की जाती है। इसलिए संध्या का त्याग भीतर त्याग कहा गया है। अतः संध्या दैनिक कर्म है। सूतक में मरना शौच हो अथवा जनना शौच हो, मानसी संध्या, उसमें मानस का प्रयोग किया गया है, मन से ही संध्या करनी चाहिए। संध्या के 5 अंग आवश्यक हैं। पहला, पवित्र होकर मानसिक, शारीरिक, वैचारिक पवित्रता ला करके उस पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हुए पापों की निवृत्ति के लिए आचमन करना। 2, भीतर अभ्यंतर शरीर की पवित्रता के लिए प्राणायाम, जिससे सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। उस आयाम के द्वारा संध्या का दूसरा उपक्रम कहा गया है। भगवान सूर्य का दिव्य ध्यान, उनको अर्घ देना, जल दान करना संध्या का विशेष तीसरा उपक्रम है। 4th उपक्रम में सूर्य भगवान के सामने त्रैवर्गिक
संध्या करने वाले महानुभाव को सामने खड़े होकर के उपस्थान करना परम आवश्यक है। पांचवी कोटि में भगवती महाशक्ति वेदों की जननी त्रिपदा गायत्री ऋषि प्रणीता अनुसंधानिता गायत्री का ध्यान और जप का महत्व दिया गया है। खासकर इन पांचों उपक्रमों से संध्या पूर्ण होती है। संध्या करने के पक्ष में पांच साधन आवश्यक हैं। आसन उनका सर्वग्राही है। कुशा का आसन केवल ब्राह्मण के लिए, चर्म का आसन केवल ब्रह्मचारी के लिए और ऊन का आसन सार्वभौमिक सबके लिए। कुशा की आवश्यकता, कुशपिंड की आवश्यकता, पंचपात्र आचमनी की आवश्यकता, अर्घपात्र की आवश्यकता, शिखा सूत्र आवश्यक हैं, मस्तक में भस्म की आवश्यकता, ये संध्या के पूर्व उपक्रम आवश्यक हैं, तभी संध्या संपन्न होती है।